मथुरा से है, जहां गोवर्धन तहसील के अंतर्गत भरनाकला में कैप्टन राकेश के नाम से एक शहीद परिवार को सरकार द्वारा बच्चों के खेलकूद के लिए एक जमीन का पट्टा दिया गया था, मगर गांव के दबंगों की दबंगई के चलते उस जमीन पर गुर्जी बिटोरा बनाकर कब्जा किया जा चुका है। गांव के दबंगों की दबंगई के चलते सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जब इसके बारे में शहीद परिवार की महिला से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि हमारा एक विद्यालय जो कि शहीद के नाम पर इस गांव में चलता है, उसी शहीद के विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए यह मैदान की जमीन दी गई थी और इस जमीन के पास शहीद का स्मारक भी बना हुआ है। ग्रामीणों द्वारा स्मारक की दीवारों पर लगी बैरिकेडिंग भी उखाड़ ली गई है। इसकी शिकायत शहीद के परिजनों ने जिलाधिकारी एवं उपजिलाधिकारी को कई बार लिखित में दी, बावजूद इसके आज तक प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब देखना यह है क्या अधिकारी इस पर ध्यान देंगे या फिर दबंगों की दबंगई यूं ही चलती रहेगी। हमारी समस्या यही है कि यहाँ कुछ अराजक तत्वों ने अपना अपना कब्जा कर रखा है, जबकि सबके यहाँ शौचालय के लिए बन चुके हैं, सबके यहाँ फिर भी खुले में शौच करते हैं वो लोग। जैसा कि आपका गांव ये पीडीएफ गांव हो गया था, उसके बावजूद भी यहाँ खुले में शौच कर रहे हैं जी। जी, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर मोदी जी इतने सिंसियर नजर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ गंदगी चारों तरफ नजर आ रही है, क्या यहाँ गांव प्रधान द्वारा कोई सफाई वगैरह का किसी चीज़ का ध्यान नहीं दिया जा रहा? नहीं, खाली प्रधान का ही है, ये प्रधान बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, पर यहाँ के जो मेन है, यहाँ के लोकल जो निवासी हैं, उन लोगों ने यहाँ पे गंदगी फैला रखी है। उसकी शिकायत हमने डीएम से भी की है और तहसील दिवस में हमने एसडीएम से भी की है 2 बार जाके, पर उसका कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है इसके ऊपर। अच्छा, किस तरीके से इसमें यूज हो रहा है? इसका यही है, यहाँ शौच खुले में शौच किया जा रहा है, लोगों ने अपने कंडे देखा जा रहा है या कुछ उपले टाइप के? हाँ जी, यहाँ कंडे लोग अपने जी कंडे थापने का काम कर रहा है। ये जो जमीन है ये किसकी जमीन है? ये ग्राम सभा की है, यहाँ पट्टे पे शहीद कैप्टन राकेश शर्मा के शहीद के लिए दी।